नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी फेज 11 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है काफ़ी लंबे टाइम से कि रिजल्ट जो है वो उनका कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है इसके रिगार्डिंग आपने ढेर सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आपको एक सटीक आंसर नहीं मिला होगा अभी तक, उसी वजह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और ये बताने वाले हैं कि रिजल्ट जो है आपका वो कब तक आने वाला है। आपका जो रिजल्ट है उसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सब बातें आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जो बच्चे CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप में से ढेर सारे जो बच्चे हैं वो SSC CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो बिल्कुल SSC के इंटरफेस पर हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पेसेज हों। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, बिल्कुल इसका जो इंटरफेस है वो SSC जैसा है। ऐसे ही आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका ये यहाँ पे इमेज होगा, आपका नाम शो करेगा और ये जो कंटेंट है वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा और कंटेंट को कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फॉन्ट हमने यूज़ किया वो उतना ही है जितना आपको SSC में मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है, हमने यहाँ पर आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए, और यही पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि डेमो जरूर लीजिए, अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस जो है वो आपकी कितनी रही। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था सिलेक्शन फेज़ 11 का वो 27 तारीख से 27 जून से लेकर 30 जून तक आपका एग्जाम चला। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके की पोस्ट है, एक आपकी हाई स्कूल लेवल की, उसके अलावा इंटर लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो कॉमन कैंडिडेट भी हैं। क्यों, जैसे कि ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आप 10+2 और मैट्रिक लेवल में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अटेंडेंस कितना रहा, तो टोटल फॉर्म जो रिसीव किए इन्होंने वो 14,07,701, जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल के 5,82,260 और 10+2 लेवल के 4,28,104, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल के आपके 3,97,337 और ये कितने बच्चों से फॉर्म रिसीव किए गए, 76,4201, यानी कि ये 7,64,201 बच्चों से कितने फॉर्म रिसीव किए गए, इतने फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट हैं। एक बंदे ने 3-3 जगह पे अगर फॉर्म डाले होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या इतनी होगी, लेकिन एक्चुअल जो कैंडिडेट हैं वो इतने ही हैं। कितने, 76,4201, यानी कि 7,64,201। ठीक है, इसमें अटेंडेंस कितनी रही आपकी, जो टोटल अटेंडेंस रही वो कितनी रही, 341,004, यानी कि 3,41,004 बच्चों ने फॉर्म, मतलब वो एग्ज़ाम देने गए, जिसमें से जो अटेंडेंस आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल की रही वो कितनी रही, 1,27,759, उसके अलावा हायर सेकेंडरी लेवल की 1,19,605, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की 93,640। तो ओवरऑल अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो अटेंडेंस आपकी 44.62% रही। ठीक है, तो ये आपकी जो कट ऑफ है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो 44.62% आपकी अटेंडेंस रही जो एक्चुअल बच्चे, देखो फॉर्म तो इतने पड़े लेकिन ये फॉर्म कितने बच्चों के द्वारा डाले गए, 76, यानी कि 7,64,201 बच्चों के द्वारा फॉर्म डाले गए, क्योंकि एक ही बच्चे ने कई पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है। उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो फेज़ वन का, यानी कि टीयर वन का ही रिजल्ट आएगा। इसके बाद कुछ पोस्ट में क्या है कि एक ही सिंगल एग्ज़ाम है, कुछ में अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग, मतलब किसी में टाइपिंग होगा, किसी में और प्रोसेस होगा। तो टीयर वन का जो रिज़ल्ट है वो SSC ने कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट जो है उसका एग्ज़ाम में अलग है, उन चीज़ों को भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे अगर हम बात करें SSC CGL 2022 टीयर वन का जो एग्ज़ाम था वो 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला, और इसका जो रिज़ल्ट दिया था SSC ने वो 9/2/2023, यानी कि 9 फरवरी को रिज़ल्ट दिया था, यानी कि विद इन 2 मंथ्स आपका जो रिज़ल्ट है वो SSC ने पब्लिश कर दिया। अगर हम बात करें SSC CHSL 2022
2022 टीयर वन की, तो 9 तारीख से लेकर के 21 यानी कि 9 मार्च से 21 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चला। उसके अलावा इसका जो रिजल्ट था वो आपका मार्च के बाद अप्रैल में यानी कि 19 मई 2023 को रिजल्ट दे दिया, यानी कि 2 मंथ्स में ये भी रिजल्ट आपका आ गया। उसके अलावा अगर हम CPO की बात करें, SSC CPO 2022 टीयर वन का जो रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम हुआ था वो 9 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक एग्ज़ाम चला। उसके अलावा इसका जो रिजल्ट था SSC ने वो 27 दिसंबर को ही पब्लिश कर दिया, यानी कि 1.5 मंथ में यानी कि 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि SSC टीयर वन का जो रिजल्ट है वो विद इन 2 मंथ्स दे दे रही है, यानी कि 2 महीने के अंदर टीयर वन का रिजल्ट जो है वो नॉर्मली SSC पब्लिश कर रही है, ठीक है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है 2 महीने हो जाने के बाद भी अभी भी नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, उसके पीछे क्या रीज़न है और कब तक आ सकता है उसके बारे में जान लो आप। जो आपका मतलब नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम का वो 6 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आया था। वैकेंसी कितनी है, 5369 वैकेंसी। जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो 27 तारीख यानी कि 27 जून से लेकर के 30 जून तक आपका एग्ज़ाम चला। SSC सिलेक्शन पोस्ट में और नॉर्मल जो आपके SSC के एग्ज़ाम होते हैं, SSC HSL CGL MTS और भी जो एग्ज़ाम है, उसमें अंतर क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि एक मतलब एक एग्ज़ाम है, इसमें डिफरेंट पोस्ट पे आपका एग्ज़ाम होता है। एक तो मैट्रिक लेवल पे एग्ज़ाम होता है, 10+2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है, ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट होते हैं। तो अमूमन जो अदर एग्ज़ाम है उनकी कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगता है। सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम है उनके रिजल्ट में आपका टाइम SSC ज़्यादा ले लेती है, चाहे आप पुराने रिजल्ट को उठा के देख लो, तो टाइम जो है SSC ज़्यादा लेती है। उसका रीज़न क्या है कि कॉमन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा 3 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक लेवल की पोस्ट, उसके अलावा 10+2 लेवल की पोस्ट, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और जो आप देख पा रहे हैं कि लग भी रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। 2 रिजल्ट आपके आने हैं, एक आपका है SSC CGL 2023 टीयर वन का रिजल्ट, और दूसरा है आपका सिलेक्शन फेज 11 का आपका रिजल्ट। तो दोनों ये रिजल्ट जो है वो आपको लगभग एक साथ देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो जैसा कि आपको पता है कि 2 महीने से ज़्यादा आपका टाइम हो गया, 3रा महीना आपका चल रहा है, आपका एग्ज़ाम 30 जून को ओवर हो गया था, यानी कि जुलाई पूरा निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर आपका चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट में आने में टाइम नहीं है। 15 से 20 सितंबर तक आपको ये दोनों रिजल्ट, पहला रिजल्ट कौन सा है SSC CGL 2023 टीयर वन का रिजल्ट, और दूसरा है सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट में आने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं है। तो बहुत लंबा चौड़ा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। कब तक आ सकता है, 15 से 20 सितंबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ये दोनों रिजल्ट लगभग एक साथ आएंगे, यानी कि आगे पीछे आएंगे, हो सकता है, और मे भी ये उम्मीद है कि पहले CGL का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 का आपका रिजल्ट आएगा। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम खराब करने की जरूरत है, बहुत ढेर सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। अगर आप इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे CHSL एग्ज़ाम है, CGL एग्ज़ाम है, या आपका MTS का एग्ज़ाम है, अगर आप SSC CHSL CGL 2023 मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टाइपिंग बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपके लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल SSC के इंटरफेस पर। यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं, तो बस इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।